मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत बमसन विकासखंड के गांव हलाना में किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में 400 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में गांव के परिवारों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। मेले में किसानों को कृषि संबंधी सभी जानकारियां प्रदान की गई तथा उपस्थित किसानों को विभाग की ओर से निःशुल्क भिंडी फ्रांस बीन के बीज की मिनी किट प्रदान की गयी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत बमसन विकास खंड के गांव हलाना में किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में 400 किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में गांव के परिवारों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। मेले में किसानों को कृषि संबंधी सभी जानकारियां प्रदान की गई तथा उपस्थित किसानों को विभाग की ओर से निःशुल्क भिंडी फ्रांसबीन के बीज की मिनी किट भी प्रदान की गई। मेले में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा भी मौजूद रहे। मेले के दौरान किसानों के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस दौरान किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर कृषि उपनिदेशक कुलदीप वर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा विभागीय योजनाओं के विस्तार से किसानों को जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने की है। उन्होंने कहा कि किसानों को ऐसे मेलों के माध्यम से नई तकनीक की जानकारी दी जा रही है। आज धलोड़ पंचायत के सराहना गांव में हमीरपुर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से किसान अभियान इस मेले का आयोजन किया गया और यहां पर काफी एक्सपर्ट लोग आए थे। काफ़ी सक्सेसफुल ये प्रोग्राम रहा। लगभग 300-400 के बीच में हमारे किसान भाई बहनें यहाँ पर उपस्थित थी। आने वाले समय में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, सरकार की तरफ से क्या क्या सहायता इनको दी जा रही है सारा डिटेल में उनको बताया गया। और हमें लगता है कि जैसे जैसे अवेयरनेस कैंप ऐसे यहाँ लगा है, लोगों को काफ़ी जानकारी मिली है और आने वाले समय में हमारे जो किसान लोग हैं इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। सरकार ने कई प्रकार की इनको फैसिलिटी जो दे रही है और हमारी सरकार का व केंद्र की सरकार का ये मिशन है कि आने वाले समय में हमारे किसानों की वो जो इनकम है वो दोगुनी हो, तो इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ढेर सारा पशुओं की थी। अभी हाल ही में 2 महीने के अंदर अंदर जंगल वैली में एक बहुत बड़ी कव सेंचुरी जो है उसका निर्माण होने जा रहा है, तो आने वाले समय में लगता है कि इन ढेर सारा पशुओं से भी हमारे किसानों को जो है निजात मिले। एक बार फिर इस मेले में मैं आए हुए सभी किसान भाइयों व माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हलाना के निवासी अशोक कुमार ने कहा कि किसानों की पैदावार को बढ़ाने के लिए विभाग के माध्यम से अपने खेतों की मिट्टी का आवश्यक रूप से मृदा प्रशिक्षण लेबोरेटरी हमीरपुर में जांच प्रशिक्षण करवाई गई तथा उसी के अनुरूप फसलों का चयन किया जा रहा है। और पिछले साल से मेरे गांव में पूरी गांव की मिट्टी चेक हुई, उसके पूरे गांव को हमने कार्ड बांटे, उसके हिसाब से विभाग में उसी के अनुसार खाद कितने डालनी है और कितने एसपी डालनी है, कितने नाइट्रोजन डालनी है, उसके हिसाब से बताया। और उसके हिसाब से मेरे गांव में पूरे फार्मर उस हिसाब से खेती कर रहे हैं और उसकी अच्छी रिजल्ट भी आ रहे हैं और लोगों ने उस हिसाब से खेती करना शुरू कर दिया, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। 10 साल से पूरी खेती कर रहा हूँ, हर किस्म की खेती कर रहा हूँ, गोभी मटर वो अच्छा रिजल्ट है हमारे को। मेरे साथ से मिट्टी टेस्ट हुई तो अच्छा रिजल्ट बहुत अच्छे आना शुरू है। वहीं किसान अनिता व बतनलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लाभकारी बताते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से उन्हें अपने खेतों की मिट्टी की विस्तृत जानकारी मिल रही है और उसके अनुरूप क्या बिजाई करनी है उसकी जानकारी भी प्राप्त हो रही है। और मैं पिछले 5-6 साल खेती कर रही हूँ। पिछले साल कृषि विभाग ने हमारे पूरे गांव की और उसके रिजल्ट दिए, फिर हमने उसी हिसाब से खेतों में खाद डालना शुरू किया जिसके और अच्छे रिजल्ट आए। आगे को भी हम उसी तरह से खेतों में खाद डालेंगे।
पिछले साल हमारी मशीन का सॉइल टेस्ट हुए, उसके परिणाम अभी आ चुके हैं और उसके मुताबिक हम खेती कर रहे हैं, जिसके परिणाम जो है बहुत अच्छे आ रहे हैं और हम आगे के लिए भी इसका प्रयोग करेंगे और कराएंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें और बाकी के गाँव वालों वो भी इसी तरह से खेती कर रहे हैं और जिसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आ रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।